एहसान मंद सारस। एक वक्त का किस्सा है, एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से तालाब के पास सारस रहता था। वो वहाँ सबसे खूबसूरत परिंदा था, पर वो इसके लिए एहसान मंद नहीं था। उसे नफरत थी अपनी टांगों से, अपने परों से और अपनी चोंच से, और पूरा साल इसी के बारे में शिकायत करता रहता। सभी ने उसे बड़बड़ाते सुना था। सबसे ऊंचे दरख्तों पर रहने वाले परिंदों से लेकर तालाब के सबसे गहरे हिस्से में तैरने वाली मछलियों तक, वो सब उसे सुनते सुनते बहुत तंग आ गए थे। एक रात जब वो एक दरख्त पर आराम कर रहा था, उसने हमेशा की तरह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओ, मेरी ये टांगे कितनी बेकार है, और ये पर, वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ना ही वो खूबसूरत है। काश मेरे पास भी तितलियों की तरह रंग बिरंगे पर होते। उठो। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। आओ, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है, इतना बेकार दिल भी है। ओह, बहुत ही अजीब बात कह रहे हो, किसी का भी दिल बेकार नहीं होता। तो फिर मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो बेकार है। मेरी टांगे टहनियों की तरह हैं, मेरी चोंच लंबी और बदसूरत है, और मेरे पर इतने बेरंग और सफेद हैं, इनमें कोई भी रंग नहीं। काश मैं एक तितली होती। छोटे सारस, एहतियात से बात करो। तुम सचमुच सोचते हो तितली होना बेहतर होगा? मैं सोचती हूँ, पूरी दुनिया में हर कोई मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे पसंद करेगा। मैं सबसे खूबसूरत बशर बन सकती हूँ। काश, काश ऐसा हो सकता, काश। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, पर मैं सच बोलता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता। तुम सुबह तक एक तितली बन जाओगी। अगली सुबह उठा तो लगा कि कुछ तो गलत था। वो अपने तालाब के पास नहीं था, और ना ही अब वो सारस था। अरे, कितना खूबसूरत फूल है, पर मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फूल कभी नहीं देखा। मेरे पीछे क्या है? पर अब मैं सारस नहीं रही, मैं एक तितली हूँ। बेशक सारस ने तमन्ना की थी, पर अब वो बदल गया था एक बहुत ही खूबसूरत तितली में। उसके परों में इतने चमकदार रंग थे, और वो धूप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाओ, ये पर तो बहुत कमाल के हैं, इतने खूबसूरत और इतने दिलकशीश रंग। और वो फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। अपने परों पर इतराते हुए सभी फूलों और मक्खियों के आगे जो भी उसे देखे वो इतराया। वो इतना ऊंचा उड़ा जितना ज्यादा वो उड़ सकता था। ओह, मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, और ये पर कितने खूबसूरत हैं। उम्मीद है ये एक ख्वाब ना हो। उसी पल एक उकाब उसके पीछे आया। वो खौफ ज़दा हो गया कि वो तेजी से फड़फड़ाते हुए दूर जाने लगा, पर उसके पर ज्यादा फायदेमंद नहीं थे। वो बहुत छोटे थे, और उसे बचकर निकलने में बहुत दिक्कत पेश आई। नहीं, बचकर नहीं निकल सकते। ओ नहीं, ओ, अब मैं क्या करूं? और तेज उड़ू। आखिर में वो झाड़ियों में छिप गया और उकाब उड़कर चला गया। ओ बाल बाल बची, भाग कर निकलने के लिए ये पर तो बिल्कुल ही बेकार है, अब मैं क्या करूं? उस पल एक मेंढक ने उसे देख लिया था। तितली बहुत खूबसूरत लग रही थी, और मेंढक ने सोचा उसके लिए ये एक बहुत जायकेदार खाना बनेगा। नहीं, बंद करो वो, बंद करो। या खुदा, एक खूबसूरत तितली बनना बहुत खौफनाक है। इसने पहले से कहीं ज्यादा मुश्किलें नाजिल की हैं। शायद मैं पानी के नीचे मछली होती तो ये बेहतर होता। एक जिस्म जो चमकते चानों से भरा हो, और कोई उकाब बस मुझे चबा न सके, शायद मछली बनना एक बेहतर जिंदगी होती। कितना अच्छा होता। बेचारी छोटी तितली गहरी नींद में सो गई। वो बहुत थक गई थी उस भाग दौड़ और खौफ से जिसका मुकाबला उसे करना पड़ा था। ओह, बहुत
ही अजीब और गरीब ख्वाब था। तितलियाँ और उकाब, आह बहुत ही खौफनाक। ये क्या है? मैं उड़ क्यों नहीं सकती? उसे जल्द ही एहसास हो गया कि जिससे वो उड़ रही थी वो दरअसल मछली के पर थे। मछली के पर? मेरे पर कहाँ गए? मैं एक मछली हूँ और ये समंदर है। मेरी तमन्ना पूरी हो गई। ये चांद इतने खूबसूरत है, वे बिल्कुल रंगीन शीशियों की तरह चमक रहे हैं। कितने खूबसूरत हैं। और वो निकल पड़ी उन खूबसूरत कोरल्स और खूबसूरत मछलियों में से गुजरते हुए जो सब जगह तैर रही थी। समंदर इतना खूबसूरत है और मैं इतनी खूबसूरत हूँ। मैं यहाँ पूरी तरह जचती हूँ। यहाँ नीचे मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। पर जैसे ही वो तैर रही थी और गुनगुना रही थी, वो जल्दी ही एक तन्हा इलाके में आ गई। वो अभी भी आसपास देख रही थी जब अचानक वो टकराई किसी गुलाबी और नर्म चीज से। ओह, ये क्या है? ये इतना इतना नर्म है और इतना गुदगुदा। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। वो उस अजीब चीज के साथ खेलती रही जब तक कि अचानक चट्टान के पीछे से एक बड़ा ऑक्टोपस निकल कर नहीं आया। वो उसके टेंटिकल्स में से एक था और ऑक्टोपस को अच्छा नहीं लग रहा था कि मछली उससे खेल रही है। ओह, वो खुदाया, मेहरबानी करके मुझे नुकसान न पहुंचाइए। बाय। और वो दूर भाग चली। बेचारी मछली बहुत तेजी से तैरी उस बड़े से ऑक्टोपस से बचने के लिए, पर ऑक्टोपस उससे भी ज्यादा फुर्तीला था और छोटी मछली तैराकी में इतनी माहिर नहीं थी। ओह, जान में जान आई। समंदर में भी इतनी मुसीबत होती है, मुझे गुमान नहीं था। मेरा मतलब, देखो हर जगह मुसीबत आती है छोटी मछली, क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं था? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, शायद तुम नहीं जानती, पर तुम काफी जानी पहचानी लगती हो। मेरा मतलब, लब, बेशक तुम मुझे नहीं जानती, समंदर बहुत अजीम है। काश मैं सबसे ताकतवर जानवर हो सकती, फिर किसी को मुझे ललकारने की हिम्मत ना होती। सबसे ताकतवर तो शेर होगा। काश मैं एक शेर हो सकती। ऐसा है क्या? तो क्या तुम चमकदार मछली बनकर खुश नहीं हो? ओ, वो मेरे किसी काम की नहीं है। कितना कमाल का होता अगर मैं सबकी सबसे बहादुर बादशाह होती। खैर, अगर तुम यही सोचती हो और तुम्हारी यही तमन्ना है तो फिर ये मुराद पूरी की जाएगी। ओहो। और उसी पल मछली घिर गई बहुत ढेर सारे बुलबुलों से। उसने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने आस पास समंदर की दहाड़ आते सुनी। पर जैसे ही यकायक आवाज गायब हो गई, उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाया। एक जंगल? मैं यहाँ क्यों हूँ? रुको, पंजे और दुम। मैं एक शेर हूँ। उसकी दहाड़ इतनी बुलंद थी कि उसने आसपास सभी पत्तियों को कंपकपा और हिला दिया। मैं एक शेर हूँ, पूरे जंगल का बादशाह, सभी जानवरों का हुक्मरान। कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझे नुकसान पहुँचाने की। और वो जंगल में घूमने लगा बहुत ही शाही अंदाज में। वो उन सब छोटे छोटे जानवरों पर दहाड़ा जिन्हें भी उसने देखा, और वो भागे और उसके रास्ते से हट गए। ये तो सचमुच बहुत ही कमाल का एहसास है। मुझे कभी इसका इल्म नहीं हुआ था कि एक शेर में कितनी ताकत होती है। इसमें इतना लुत्फ आ रहा है। पर जब वो चल रहा था, वो एक शिकारी के जाल में फंस गया और जल्दी ही उसे एक पिंजरे में बंद कर लिया गया, जिससे वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। ये क्या है? मुझे बाहर निकालो, मुझे जाने दो। और झाड़ियों से निकलकर दो शिकारी आए। वो बहुत ही जालिम लग रहे थे और जल्दी ही शेर को खौफ महसूस हुआ। कितना गजब का शेर है! अगर हम इसे ले जाएं, तो हम इसे अच्छी कीमत पर फरोख्त कर सकेंगे। हाँ, चलो जल्दी करो और इसे लेकर चलें। बेचारा शेर ये सुनकर बुरी तरह कांपने लगा।
नहीं नहीं, मेहरबानी करके मुझे कहीं लेकर मत जाओ। कोई मुझे बचाओ, मैं अब शेर नहीं बने रहना चाहता। मैं एक सारस बनकर ही खुश था, मुझे फिर से सारस बना दो। ओह, ये सब एक ख्वाब था। ओह, शुक्र है खुदा का। ओह, मैं खुद अपने वजूद में आकर बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी टांगे, मेरी खूबसूरत चोंच और मेरे पैर, ओह मेरे मजबूत और शानदार पैर, मुझे तुम सब पर बहुत फख्र है। ओह, सारस ने अपना सबक सीख लिया था। ये अहम है कि जो आपके पास है उसके लिए और जो आप हैं उसकी खातिर एहसान मंद रहें। एक मामूली से ख्वाब ने उसे सिखा दिया था, या शायद ये एक ख्वाब था ही नहीं।